हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग में आपका स्वागत है। और इस प्रोसेस में जो लोग भी एमसीए की काउंसलिंग करवा रहे हैं, उन सभी लोगों को एक मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। मैं सोचा आपको पहुँचाऊँ वो इन्फॉर्मेशन। यूपी टेक में जो एडमिशन ले रहे हैं, यूपी टेक के द्वारा जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, उन सभी कॉलेज में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशंस मिल रहा है आप लोगों को, क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, जनरल को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कितनी सीटें रिजर्व है जनरल के लिए, इसके अलावा एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड गर्ल्स कैटेगरी। गर्ल्स में चाहे ओबीसी में हो, चाहे वो एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हो, सभी के लिए कोटा है, कभी सभी के लिए रिजर्वेशन हैं। लेकिन जो आउटसाइड यूपी नहीं है, वो जो सिर्फ यूपी के हैं उनके लिए है, आउटसाइड यूपी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो उस रिजर्वेशन को मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो कॉलेज सेंट्रल हो, चाहे वो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के हो, क्योंकि वैसे तो यूपी में जो भी एग्जीक्यूटिव हो रहा है वो सारे कॉलेज जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बात रही वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एडेड है, या कोई अलग से यूनिवर्सिटी है, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सीएसजेएम, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही ले रहे हैं। तो उन सभी में कितनी सीटें हैं सब बता दूं मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक, सबसे पहले बात करता हूं आईआईटी लखनऊ का। ठीक है, उसमें टोटल जो सीटें हैं आपको मैं बता दूं, तो 12 सीटें हैं ऑल इंडिया लेवल के लिए, 42 सीटें हैं जो हैं कि वो हैं यूपी वालों के लिए, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो होम स्टेट के लिए 12 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया जो फीमेल सीट है, ध्यान से देखेंगे तो कोई सीटें नहीं है क्योंकि रिजर्वेशंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूँ तो 10 सीटें हैं ऑल इंडिया के लिए, सॉरी यूपी वालों के लिए गर्ल्स की कैटेगरी में। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे जो है होम स्टेट मेल एंड फीमेल का, तो उसमें भी कोटा नहीं है, कोई भी कोटा नहीं आपको देखने को मिलेगा, 3 सीटें हैं। ठीक, इसके अलावा जो है आपको मिलेगा सिर्फ फीमेल्स का कोटा होम स्टेट में। ठीक है, लेकिन वो जो है वो भी होम स्टेट का ही होगा। आपको दो चीज़ें दिखी होंगी, ऑल इंडिया लेवल होम स्टेट, होम स्टेट, यहाँ भी फीमेल सीट्स है, यहाँ भी फीमेल सीट्स है। अब चक्कर ये है कि इसमें जो फीमेल सीट शो कर रहे हैं दोनों, ये होम स्टेट, ये होम स्टेट, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मेरे हिसाब से इसमें जो है कुछ है नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या रखा है, मेरे समझ में तो नहीं आना। अगर आप समझ में आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि वो डबल रख रखे आई थिंक मिस्टेक हुई है इनके। लेकिन ये आप ध्यान से देखेंगे तो अब भी समझ में आ रही है कि ये जो ऊपर वाला है नॉर्मल के लिए है, यहाँ पर जो नीचे है वो फी वेवियर के लिए था। ओके, ये क्लियरेंस हुई। ठीक है, आई थिंक आप भी समझ जाएंगे, अगर समझ में ना आया तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। अब कमला नेहरू में बात करूं तो कमला नेहरू में आपको 12 सीटें मिलेगी ऑल इंडिया का, और अगर मैं बात करूं यूपी वालों के लिए 43 सीटें हैं। वहीं बात करूं जो है गर्ल्स कोटा का तो 9 सीटें हैं एंड 3 सीटें जो है सबके लिए हैं। टोटल जो है 134 सीटें हैं इन दो कॉलेज में जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, दो ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो उनकी भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बात करता हूं प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तो मैंने सारी की लिस्ट बना रखी है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, तो जिनमें सीटों का बंटवारा जो हुआ है, किस बिहाब पे हुआ है, सबको बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। बट अगर आप, मैं आपको बताऊंगा, अगर जोड़ इसको मैं सम करना चाहूंगा, क्योंकि सम बहुत ज़रूरी है, टोटल कितनी सीट्स हैं, जिससे आपको भी पता लगेगा, क्योंकि इसमें आपने सम देख लिया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें भी आप सम देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। नीचे जो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अदर यूनिवर्सिटी, 3 जो है पेज हैं, तीनों पेज को आप देख लीजिएगा, मैं ये चीज़ें शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ में। देखो, ये मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसको सिलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, अब सारे को सिलेक्ट करते जाइएगा लास्ट तक। ठीक है, अब उसके बाद आपको एंटर करने हैं। अब देखेंगे 5,293 टोटल सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में, 5,293 सीटें। अब मैं दिखाता हूँ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका कितना है, इसमें भी आप सम कर लीजिए, सम का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, एंड ऑल सिलेक्ट करेंगे तो आपको एंटर करना है, यहाँ पर मिलेंगे आपको 836। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में आप देख लीजिएगा, क्योंकि बकायदे सारी चीज़ें आपको बताना, वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन ये है कि 836 यहाँ पे, इसके बाद 5,293 यहाँ पे, एंड
जो है 134 यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल सम करूँ अगर मैं, तो कितना होगा 134, ठीक है। ये हो गया आपका गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। इसके बाद मैं लूँ अगर प्राइवेट कॉलेज का, और उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट का अगर मैं लूँ तो प्राइवेट में है आपका एग्जैक्ट 5293, ठीक है। तो 5293 यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक मिनट, 5293, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी में कितने हैं, 836, तो 836 यहाँ ले लीजिए। अब इसको आप ऐड करिए। अब मैं लगाता हूँ सम का फॉर्मूला और इसको लेता हूँ सेलेक्ट कर, ठीक। कितने हो गए, अब देखिए कितने सीटें हैं, 6263 सीट है एमसीए के लिए। तो लगभग 6200 सीटें हैं एमसीए के लिए। अब इतने सीटों पे बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं, सारे सीटों पे बच्चे नहीं लेते हैं, लगभग 5000 सीटों पे एडमिशन हो जाता है एकेटीयू में। और जो है ये जो सीटें हैं, ये सीटें सिर्फ एकेटीयू के थ्रू जो काउंसलिंग हो रहा है उसके लिए है। जो इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया 15%, उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ मान लीजिए जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, इसका अगर जितना लिया गया है इसका, तो ये 85% है, ये 85% सीटें हैं। अगर मैं एक एग्जैक्ट वो लगाऊं कि अगर 85% जो सीट है वो किसके इक्वल है, वो है 5293, ठीक है। तो एक सीट कितनी होगी, तो 5293, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे 85 से तो कितना होगा, 62.27 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, 1%। तो अगर मैं यही बात करूँ 100% सीटें, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ 62.27 में, तो 62.27 आएगा, 27। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6200 सीटें टोटल होती हैं प्राइवेट कॉलेज में। अब इस पे सीटों में एडमिशन हो जाते हैं, वैसे बातें नहीं है, लेकिन जो बहुत ही ऐसे कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत ही बेकार है वहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट इसमें 90%, 5000-5500 सीटें आपकी भर जाती हैं, लेकिन जो गैर गुजरे कॉलेज हैं वो लोग कॉल कर करके सीट भरने की कोशिश करते हैं। फिर भी सारा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 500-600 सीटें बची जाती हैं जो लोअर क्लास के कॉलेज हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एमसीए के कॉलेज हैं, इसके अलावा भी एमसीए के एडमिशन होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप। तो ये रही सच्चाई, आप लोगों के सामने मैंने रख दिया प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे हैं उनकी तारीफ मैं करूँगा, जो अच्छे नहीं हैं उनकी बुराई भी करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है मैं किसी कॉलेज की तारीफ करूँ, मकसद ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। चीज़ों को अगर मैं बोल दूँगा हाँ सही, तो उसे सही नहीं हो जाएगा, बोल दूँगा गलत गलत भी नहीं होगा, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी, बट एक इन्फॉर्मेशन देना सही वे में वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। मैंने ये देखा कि लोग वीडियो देख लेते हैं बट लेकिन जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें भी सपोर्ट करें, हम भी बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट जगह एडमिशन मिले, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए डेटा के साथ हम जल्दी उपस्थित हो रहे होंगे। अगर कोई स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।